दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए एक नया स्टोरी लेके आए हुए हैं। ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये बंदर, ये जो मूर्ख जो बंदर होता है, इसके बारे में ये बताया गया है। दोस्तों ये जो स्टोरी है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखकर हंसे नहीं, इन बातों की आपको शिक्षा मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आप लोग को ये जो स्टोरी है इसका एक एक वर्ड का हिंदी करके सिखाएंगे, जिसे यदि आपको अंग्रेजी का हिंदी करने नहीं आता है तो आप वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द फुलिश मंकीज। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, मंकीज का अर्थ होता है बंदर, मूर्ख बंदर। ए लॉन्ग टाइम एगो, ए का अर्थ होता है एक, लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, टाइम का अर्थ होता है समय, एगो का अर्थ होता है पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो, इसका अर्थ होता है बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। इन विंटर टाइम, इनका अर्थ होता है मे, विंटर टाइम का अर्थ होता है सर्दी के समय। तो सर्दी के समय में, सर्दी के समय में। ए ग्रुप ऑफ मॉन्कीज वाज फीलिंग वेरी कॉल्ड, एक अर्थ होता है एक। ग्रुप ऑफ मॉन्कीज, बंदरों का समूह, ग्रुप ऑफ मंकीज का अर्थ होता है बंदरों का समूह। वाज फीलिंग वेरी कॉल्ड, वाज का अर्थ होता है था, फीलिंग का अर्थ होता है अनुभव करना, अनुभव कर रहा। वेरी कॉल्ड, वेरी कॉल्ड का अर्थ होता है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। दे टॉक्ड टू इच अदर, वे, दे का अर्थ होता है वे, टॉक्ड, टॉक्ड का अर्थ होता है बात कर रहे थे आपस में, इच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से या आपस में, तो वे आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एंड और डिसाइडेड टू गो टू ए विलेज नियर द फॉरेस्ट, एंड का अर्थ होता है और, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया, निर्णय किया। टू गो टू ए विलेज, एक गांव में जाने का। विलेज नियर द फॉरेस्ट टू सिट बाय द वार्म फायर, यानी गांव में जाकर वहां पे जो आग, गर्म आग जल रहा था उसके पास में बैठने का। गांव में जाकर, जाकर नियर द फॉरेस्ट, जो जंगल के नजदीक था, जो जंगल के नजदीक था, वहां गरम आग के पास बैठने का, वहां गरम आग के पास बैठने का, बैठने का। यानी बंदर, सभी बंदर निर्णय किए कि जंगल के करीब में जो गांव है वहां पे जाएंगे और आग जलता हुआ होगा तो वहां पे जाके हम लोग बैठेंगे। व्हेन द मंकीज रिच्ड देयर, जब बंदर वहां गए। वैन का अर्थ होता है जब, मंकीज रिच देयर, बंदर, सभी बंदर वहां गए, सभी बंदर वहां गए। एंड सेट बाय द फायर, और आग के पास बैठे, और आग के पास
बैठे। द विलेजर्स वेयर एंग्री, जो गांव वाले थे वो नाराज हो गए। गांव वाले नाराज हो गए। द विलेजर्स चेस्ड देम अवे एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू मंकीज इन देयर विलेज। गांव वाले, विलेजर्स का अर्थ होता है गांव वाले, चेस्ट का अर्थ होता है पीछा किया उनका। एवे एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू मंकीज इन देयर विलेज, और वो उसे गांव में नहीं रहने देना चाहते थे, और उन्हें डिड नॉट वॉन्ट टू मंकीज देयर, बंदरों को गांव में नहीं रहने देना चाहते थे। द मंकीज रिटर्नेड, सभी बंदर लौट आए। द फॉरेस्ट यानी जंगल, सभी बंदर जंगल लौट आए एंड डिसाइडेड दैट दे वुड मेक देयर फायर लाइक द विलेजर्स। एंड का अर्थ होता है और, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया कि दे वुड मेक देयर फायर। वुड का अर्थ होता है चाहेंगे, मेक का अर्थ होता है बनाना, देयर फायर वे वहाँ पे आग जलाने का निर्णय किए, जैसे गांव वाले जला रहे थे। वे वहाँ पर आग जलाने का निर्णय किए, गांव वालों की जैसा। द मंकीज कलेक्टेड वुड, सभी बंदर लकड़ी को चुना एंड पुट ऑन रेड बेरीज, और एंड का अर्थ होता है और पुट का अर्थ होता है रखा, ऑन इट रेड बेरीज, रेड बेरीज का अर्थ होता है लाल जामुन पर, यानी लाल जामुन जो वहाँ पे था रेड बेरीज वहाँ पे वो रखा। दे थ्रो द रेड बेरीज वेयर कोल, वे थ्रो थ्रो का अर्थ होता है फेंका, लाल जामुन पर कोयला और लकड़ी, यानी कि कोयला और लकड़ी लाल जामुन पर फेंका, कोयला और लकड़ी लाल जामुन पर फेंका और लकड़ी लाल जामुन जामुन पर डाला। एंड का अर्थ होता है और, वुड मेक द फायर, और आग जलाया, आग जलाया। बट देयर वॉज नो फायर, लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन, वहाँ आग नहीं था। एंड दे वेयर पजल्ड,
एंड का अर्थ होता है और दे वेयर पजल्ड, वे उलझे से लग रहे थे, वे उलझे से लग रहे थे। द बर्ड्स ऑन द ट्री हैड ए हार्टली लाफ। द बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठे चिड़िया दिल से हंस रहे थे देखकर। पेड़ पर बैठे चिड़िया दिल से हंस रहे थे, दिल से हंस रहे थे। एट द फुलिश मॉन्कीज, मूर्ख बंदर पर, मूर्ख बंदर पर। द मंकीज वेयर असेम्ड, द मंकीज वेयर, सभी बंदर वेयर का अर्थ होता है थे। असेम्ड, असेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा। देयर फुलिशनेस, सभी बंदर उस पर, उसके मूर्खता पर शर्मिंदा थे, उसके मूर्खता पर शर्मिंदा थे। मोरल का अर्थ होता है दोस्तों नैतिक। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गेदर कंप्लीट नॉलेज एवरी थिंग ऑफ एवरी थिंग। दोस्तों इसका अर्थ होता है हर चीज की पूरी जानकारी जुटा ले तभी कोई काम करे। हर चीज की पूरी जानकारी जुटाएं, जुटाएं हर चीज की पूरी जानकारी जुटाएं तभी कोई काम शुरू करें। तो दोस्तों फिर से इसको अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों ये जो स्टोरी है मूर्ख बंदर पे आधारित है। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन विंटर टाइम, सर्दी के समय में, ए ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का समूह, वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, जो बहुत ठंडा अनुभव कर रहा था। दे टॉक्ड टू इच अदर, वे लोग आपस में बात किए, एंड डिसाइडेड टू गो टू विलेज नियर द फॉरेस्ट, और जंगल के करीब में जो गांव था वहां पे जाने का वो सभी निर्णय किए, और वहां पे जाके आग के पास बैठने का सभी सोचे। व्हेन द मंकीज रिच देयर, जब बंदर वहां गए, एंड सैट बाय द फायर, द विलेजर्स वेयर एंग्री, तो गांव वाले उसको आग के पास बैठे हुए देखकर नाराज हो गए। द विलेजर्स चेस्ड देम अवे एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू मंकी देयर विलेज, गांव वाले उसे वहां देख के नाराज हुए और उसका पीछा करने लगे और उन्हें गांव से बाहर निकालने का कोशिश कर रहे थे। द मंकीज रिटर्नेड, सभी बंदर लौट आए टू द फॉरेस्ट, यानी सभी बंदर जंगल लौट आए, एंड डिसाइडेड दैट दे वुड मेक देयर फायर लाइक द विलेजर्स, और वे लोग निर्णय किए कि जैसे गांव वाले आग जलाए हुए थे उसी प्रकार का हम लोग भी आग जलाएंगे। द मंकीज कलेक्टेड वुड, सभी बंदर लकड़ी इकट्ठा किया, एंड पुट ऑन रेड बेरीज, और वहाँ पे जो रेड बेरीज जो था, लाल जामुन जो था, वहाँ पे रखा। दे थ्रो द रेड बेरीज वेयर कोल एंड वुड मेक द फायर, और वे लोग लाल जामुन जो था वहाँ पे कोयला और लकड़ी को वे लोग वहाँ पे रखना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। बट देयर वॉज नो फायर, लेकिन वहाँ पे आग नहीं था, एंड दे वेयर पजल्ड, और वे लोग उलझे हुए थे। द बर्ड्स ऑन ट्री हैड ए हार्टली लाफ एट द फुलिस, वो जो बंदर, जो चिड़िया जो पेड़ पे बैठा हुआ था, वो लोग बंदर का जो मूर्ख जो पन था उसको देख के वो लोग दिल से हंस रहे थे। द मंकीज वेयर एसेम्ड ऑफ देयर फुलिसनेस, और सभी जो बंदर थे वो भी उस पे, उसके मूर्खता पे एसेम्ड थे, यानी शर्मिंदा थे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ की जानकारी पूरा जुटा लेना चाहिए तभी हमें वो काम स्टार्ट करना चाहिए।
नहीं तो जिस प्रकार से सभी बंदर पे चिड़िया देख के हंस रहा था, उसी प्रकार से लोग हमारे पे भी देख के हंसेगा।